हेलो सोशल मीडिया के दीवाने हो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सही होंगे। और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, तो मैं वीडियो के शुरू में बता दूँ कि मेरा नाम यासिर है और मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी हरियाली है, आप लोगों ने सुना होगा गेहूँ के खेतों में जब कंघी करे हवाएँ तो वो कंघी कर रही है हवाएँ। तो आज मौसम है सुहाना और हमको वीडियो है मस्त बनाना, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कोई काम नहीं था तो मैं सोचा, कोविड भी है तो मैं सोचा कि यूट्यूब चैनल बनाऊं और मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ों को दिखाऊं। तो मैं आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझ पे अपना प्यार जताएंगे और प्यार देंगे। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और आपका भाई आपको दिखाता रहेगा। तो चलते हैं आपको दिखाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए मेरे पीछे जो है मक्का की खेती है और मैं यहाँ पे आया हूँ। ये बाद है, हमारी तरफ बाद कहा जाता है, तो मैं बाद में आया हूँ वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो इधर पीछे आपको मैं दिखा दूँ, पूरा हरियाली है और मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, आप देखते रहिए। तो आप अपना प्यार बनाए रखिएगा मुझ पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो आप लोग देखते रहें। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गेहूँ की खेती है, ये तमाम पूरा गेहूँ की खेती है और बगल में मक्का की खेती है। तो मैं आपको ले कर जा रहा हूँ, कुछ सामने से दिखाने वाला हूँ, आप देखते रहिए यहाँ पर। और यहाँ पे देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं जो साग तोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो मक्के सरसों का साग होता है वो सरसों का साग तोड़ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए दो बच्चे हैं और वो साग तोड़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे नहर है और मैं उसके जस्ट कुछ ही दूर पर हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ बनाने के लिए वीडियो। तो मैं आपको बता दूँ कि आप अपना प्यार और अपना आशीर्वाद दें हमें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और लोगों का सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो आप देखते रहिए और ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। तो मैं एक बात बता दूं आपसे कि मैं जो है चैनल बनाया और मैं किसी को नहीं बताया, घर में भी नहीं बताया, क्योंकि घर वाले को पता नहीं है कि ये जो है अच्छा चीज़ है और उन्हें तो यही पता है कि वे फजूल की चीज़ है और ये कोई काम का चीज़ नहीं होता है। और मैं इसलिए नहीं बताया और मैं यहाँ पे आया हूँ अकेले में बनाने के लिए वीडियो। थोड़ा नर्वस हूँ लेकिन आगे सही हो जाएगा। तो आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद मिलता रहा तो बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, ने अपने गांव के किसी भी लोगों को बताया। मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम आपके साथ हूं और आपके बीच में हूं। तो आप अपना आशीर्वाद जो है बना के रखिए और मैं यहां पे देखिए आ चुका हूं उस नहर के करीब और मैं यहां पे नीचे में नहर के नीचे ही वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पर देख सकते आप नहर है पीछे और बहुत पुराना नहर है ये। और मेरे इस तरफ देखिए पूरा बाद है और आप यहाँ पे देख सकते हैं किधर पीछे गांव है, जो उस गांव से मैं 3 किलोमीटर आगे आया हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। अंत में यही कहूँगा मैं कि आप अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए मैं फिर हाजिर रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में